तो फ्रेंड्स हमारा मसाला भुना गया है और टमाटर भी पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो हमें जितना झोल चाहिए उसी हिसाब से पानी डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ताकि मटर जो है पकेगा। अब हम इसे बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे मच्छी। तो फ्रेंड्स इधर भी मेरा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे प्याज और हरा मिर्चा। और यहाँ पर मैं बनाऊँगी मछली का जो पोटा होता है उसी को मैं बनाऊँगी, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स प्याज जो है भुना गया है, अब हम इसमें डाल देंगे मछली का पोटा। तो ये है मछली का पोटा, ये बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स इधर हमारा ग्रेवी भी बन चुका है, देखिए अब हम इसमें डाल देंगे मच्छी। और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी और गरम मसाला भी। तो फ्रेंड्स सारा मसाला मैं यहाँ पर डाल चुकी हूँ, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो ये पोटा है तो थोड़ा सा काला काला दिखता है ये, लेकिन खाने में जो है बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, आप लोग भी कभी अपना घर में ट्राई करना। अब इसमें हम डाल देंगे नमक और थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। और इधर हमारा मच्छी भी बन चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पत्ता और उसके बाद ये हो गया है रेडी। अब हम इसको खाली निकालेंगे और खाएंगे।